इंदौर शहर में चेन स्नैचिंग की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं इंदौर की कनाड़िया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक चेन स्नैचर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 5 लाख रुपए की रिपीट इंदौर शहर में चेन स्नैचिंग की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं इंदौर की कनाड़िया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक चेन स्नैचर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 5 लाख रुपए की कीमत की 5 सोने की चेन, मोटरसाइकिल, 5 से अधिक नंबर प्लेट व हेलमेट पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर शहर में हो रही चेन स्नैचिंग की घटना करने वाले बदमाश के हुलिये जैसा एक व्यक्ति कनाड़िया थाना क्षेत्र में हेलमेट लगाकर घूम रहा है, जिस पर कनाड़िया पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर जेआरपी रोड पर घेराबंदी कर उसे रोक कर पूछताछ की गई और बाइक के कागज मांगे गए, मगर आरोपी रमेश कोई कागज पेश नहीं कर पाया और वही पकड़ा गया। आरोपी रमेश से पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने कनाड़िया, एरोड्रम, अन्नपूर्णा, अन्य थाना क्षेत्रों से चेन स्नैचिंग की घटना को कबूल किया है। आरोपी रमेश के कब्जे से पुलिस ने 5 सोने की चेन, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, हेलमेट व 5 से अधिक नंबर प्लेट भी जब्त की है। ये किस्मत का हासला ये हुआ था कि मेरा बेटा का गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो इन्होंने बोला कि बोलो मम्मी और दोनों तुम पैदल पैदल आओ धीरे धीरे। तो हम पैदल पैदल चल रहे थे, पैदल पैदल चल रहा तो इसने, हम थोड़ी दूर गए तो शिव मंदिर आया, गार्डन आया, गार्डन के पास में शिव मंदिर आया, फिर माँ मैंने हाथ जोड़ा तो फिर ये मेरे पीछे हो गए। फिर वो दूर खड़ा था तो वो देखा करा दूर से, फिर खड़ा होते होते और फिर ये उधर से एक मकान था हरा कलर का, फिर मन को यार टर्न लेगा आया है तो अब मेरे को नहीं मालूम, और मेरे को गले में दी ना और ये निकल गया। मैंने बोला इसने मेरे को क्यों मारा, फिर भी मैंने चेन पे वो नहीं करा, फिर पीछे मुड़ के देखा मैंने तो मन को अरे इसके हाथ में तो चेन, मन को अरे मेरी चेन तोड़, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर सब लोग वहाँ आ गए नीचे से, ऊपर से सब बहुत इकट्ठे हो गए, या जब तक ये बुढ़िया नहीं दिखी, इसने बोला क्या हुआ क्या हुआ, मैं फिर ये दिख गई, बोले क्या हुआ, बोले दादी की चेन तोड़ ली, दादी की चेन तोड़ ली। फिर जोर जोर से मैं फिर ये गया भी सही, पीछा करा इसने, पीछा करा तो नहीं मिला, फिर आ गया वापस आ गया। फिर हम ऐसे कैसे थाने पर गए, फिर ये भैया लोग सब आए वहाँ पे, ऐसे कैसे तुरंत आ गए वहीं पे। आज आपकी चेन मिली है, पुलिस को किस तरह से धन्यवाद? मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, भगवान ये इनको और राजा बनाए इनको, ये नीरज भैया को, अमित भैया को, मनोज भैया को, अविनाश भैया को और वो टीआई साहब को तो भगवान, उनने बोला था कि तुमने भोलेनाथ जी के तुमने वो करा है, तुम्हारे बहन जी कहाँ नहीं जाएगी, वो टीआई साहब के तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया और जमरे साहब का आधार करती हूँ बहुत बहुत। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंदा पटेल, कनाड़िया थाने। ये कनाड़िया थाना पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, ये भी जो है महिलाओं के साथ में चेन स्नैचिंग का की वारदात को अंजाम देता था और ये टारगेट करता था कि सुनसानी इलाकों में और जो महिलाएं अकेली खड़ी होती थी उनको, और इसके पास से पुलिस ने 5 चेनें बरामद करी हैं। ये मूलतः मोटरसाइकिल चुराता था, मोटरसाइकिल चुराने के बाद में उनके नंबर प्लेट बदल देता था और इसके बाद जो है ये वारदात को अंजाम देता था। इसका पहले भी जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये 2-3 बार चेन स्नैचिंग में बंद हुआ है और इसके अलावा भी अभी इसके जो प्रारंभिक तौर पे बात पता चल रही है कि इसमें इसके 8-10 अपराध और ज़्यादा हैं और भी हैं, तो उनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। ये मुख्य रूप से ये टारगेट करता था, पहले तो बाइक चुराई इसने, बाइक चुरा करके नंबर बदल दिया, इसके पास ये 4-5 नंबर प्लेट भी मिली हैं अलग अलग उसकी जो ये चेंज करता था, और चेंज करने के बाद में ये पहले मैं पूरे एरिया का रिकी कर लेता था कि कहाँ पे जो है सुनसान इलाका है, कहाँ पे महिलाओं की आवाजाही रहती है, और इसके बाद खड़े होकर के मौके की तलाश करता था और इसके बाद जैसे ही मौका देखा तो झपट्टा मार के चैन जो है ली और चली गई। इतनी सफाई से करता था कि कई बार जो है महिलाओं को ये पता भी नहीं चलता था कि उनकी जो है चैन चली गई है। और एक अभी फरियादी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने मतलब बताया कि काफ़ी जो है वो तकलीफ़ में थी इसको लेकर के, तो एक बड़ा वो पुलिस को धन्यवाद भी दे रही थी कि मतलब एक जो अपराधी है ये पकड़ा गया। ये मुख्यतः जो है झेड़िया का रहने वाला है और बंजारा कम्युनिटी से है, इसमें ये जो है यहाँ पे 78 स्कीम में रहता था और इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था। कितनी जगह इसने वारदात को अंजाम दिया? इसमें जो है ये एरोड्रम, अन्नपूर्णा, कनाड़िया, कई जगह पे इसने वारदातें करी हैं।
इसने कबूली हैं और इसे चैन भी इससे बरामद हुई हैं। इसमें अभी तो ये चैनें इसी से ही बरामद हुई हैं, बाकी ये यदि किसी सुनार को ये बेचता था तो उसके बारे में अभी पुलिस पता लगा रही है। और ये एक बात इसमें पता चली है कि सामान्यतया जो भी चैन स्नेचर होते हैं तो वो ग्रुप में वारदात को अंजाम देते हैं, दो लड़के होते हैं, लेकिन ये अकेले ही वारदात को करता था। वहीं फरियादी चंदा पटेल ने बताया कि इंदौर की कनाड़िया पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, जहां फरियादी चंदा पटेल की खुशी का ठिकाना नहीं था और कनाड़िया पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वहीं चंदा पटेल ने बताया कि कुछ दिनों पहले मेरे गले से आरोपी चेन खींचकर फरार हो गया और आरोपी द्वारा इतनी सफाई से चंदा पटेल की गले की चेन खींची गई कि महिला को पता तक नहीं चला। चंदा पटेल को जैसे ही सोने की चेन मिली वैसे ही फरियादी द्वारा थाना प्रभारी जगदीश जामरे, सब इंस्पेक्टर अविनाश सहित पूरे स्टाफ की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए।